हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी जीके पर। दोस्तों, हर बार की तरह आज आपको फिर से लेके आए हैं एक ऐतिहासिक घटना के साथ, एक ऐतिहासिक धरोहर के साथ। तो दोस्तों, आज की हम इस यात्रा में बात करने वाले हैं कलम देव जी मंदिर के बारे में। और ये मंदिर है वो चूरू के एक छोटे से गाँव ढाडरिया बने रोहतान में स्थित है। तो यहाँ पर ये मंदिर इतना चर्चा में क्यों रहा, और कहा जाता है कि ये विश्व का एकमात्र मंदिर है। तो मंदिर के अंदर जाकर इसके पूरे इतिहास के बारे में जानते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप हमारी YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे जो वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। तो दोस्तों, आप जो ये आगे देख रहे हो, एक टिन शेड बना हुआ है मंदिर के जस्ट आगे। तो इसमें बाबा का एक विशाल जागरण का आयोजन किया जाता है, जो वर्ष में एक बार किया जाता है। और यहाँ से दूर दूर से श्रद्धालु है वो अपनी आस्था व मन्नत लेकर आते हैं। और ये टिन शेड है वो श्रद्धालुओं का ही बनाया गया है। दोस्तों, आप अभी जो ये मेरे पीछे देख रहे हो, ये कलम देव जी का मंदिर का आगे का दृश्य है, और यही मुख्य मंदिर है। तो ये मंदिर कब बना और क्या इसका इतिहास है, इसके बारे में हम आज पंडित जी से जानेंगे, जो यहाँ के पुजारी जी हैं उनसे बात करेंगे कि इस मंदिर का है वो क्या इतिहास रहा, ये मंदिर इतना चर्चा में क्यों रहा, इसका क्या इतिहास है, वो सब इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हाँ, तो दोस्तों, अभी हम मंदिर के अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर की तरफ देखते हैं कि कैसी इनकी यहाँ की प्रतिमाएं हैं, और जो शिलाएं हैं वो अंदर से निकली है वो कैसी है। तो आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे कि दो शिलाएं हैं वो यहाँ से ज़मीन से निकली हुई है। तो ये रेगिस्तान में ऐसा होना अपने आप में एक अद्भुत है। और यहाँ पर एक आप श्रद्धालु देख सकते हैं, वो आए हुए हैं दही चढ़ाने के लिए। तो इनसे भी बात करेंगे, ये कहाँ से हैं और किस आस्था के साथ यहाँ पे आए हैं। तो कहाँ से आप? उदासर से। तो ये उदासर से यहाँ पे आए हैं स्पेशल दही चढ़ाने के लिए। तो इनकी आस्था है कि भाई जो यहाँ पे एक बार दही चढ़ाता है तो उसका जो पशु है वो स्वस्थ रहता है, कुशल मंगल रहता है, और घर में भी सुख शांति रहती है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों शिलाओं के पास दो वृक्ष हैं खेजड़ी के, उन पर भी दही चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, आप जो ये देख रहे हो, दो शिलाएं यहाँ पे ज़मीन के अंदर से निकली हुई है, और इसको देवली बोलते हैं। और ये दो देवली यहाँ से निकली है, और कलम देव व नारसिंह की ये जो शिलाएं बताई जाती है। और रेगिस्तान में ऐसा होना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। हर वर्ष यहाँ पे हजारों श्रद्धालु आस्थापूर्वक आते हैं, और ये मंदिर के चारों की तरफ फेरी लगाने के लिए एक रास्ता बनाया गया है। और अभी ये मंदिर के बाहर का दृश्य दिखाता हूँ मैं आपको। मंदिर के दोनों साइड होल बने हुए हैं बड़े, जो श्रद्धालुओं के द्वारा दान इकट्ठा करके बनाए गए हैं। और ये सामने सत्संग पंडाल है, जहाँ पे हर वर्ष जागरण का आयोजन किया जाता है।
तो दोस्तों ये है वो यहाँ के मंदिर के पुजारी जी हैं, और हम इनसे बात करते हैं कि इस मंदिर का क्या इतिहास रहा होगा और क्यों ये बनाया गया है, और इसके पीछे का जितना भी इतिहास है वो इनसे जानते हैं। तो इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था? इस मंदिर का 2001 में हुआ था, और इनका जन्म 620 साल हो गया। अच्छा। और ये दड़ू जाट है, ये दड़ू जाट बठिंडा से आके ये डाडरी बसिया, और पहले यहाँ गांव था। अच्छा, तो यहाँ पे किस चमत्कार की वजह से ये मंदिर है वो इतना अस्तित्व में आया है? ये एक मतलब है, औरत का एक बच्चो और एक सर्प जलवा हुआ था, और सर्प और बच्चा पालनी में सुता था, और इनका मामा आया, मामा कुंडशीसर का था। अच्छा। और भूल से सर्प को मार दिया। हाँ। तो बच्चा भी वो ख़त्म हो गए, और इनकी मम्मी बच्चों की मम्मी आई। हाँ। पानी ले गए तो बोला ये बच्चा सर्प मेरे था, वो बहुत गलती हो गई, क्या बात। तो फिर इनको माटी दे दी। अच्छा। माटी देने के बाद फिर एक गया ग्वालियों गया चरा तो। अच्छा अच्छा। तो बिना आकाशवाणी हुई कि भाई गया गड़गड़ाट होगा, गया भाजेगी। हाँ। हा हा मत करियो। हाँ। जरा वो क्या हुआ कि गड़गड़ाट होया। अच्छा। तो गया हा करी, गड़गड़ाट मिट गया। अच्छा। और वहाँ पर बच्चों पर दोनों देवड़ी उपड़ गई। अच्छा। कलम जी और नार सिंह, और दोनों उपड़ गए। तो बोलो क्या मांग है? बोले मांग दड़ू जाया जलमया। तो इनकी पहली धोख लगेगी, और गाय भैंस जितनी भी पशु बीमार हुए और ब्यावे तो इनकी धोख यहीं लगती है। और वो जितने जितने श्रद्धालु है और जितने जात्री है वो गाय भैंस की धोख लगा के ही इनका काम में दही दूध लेता है। दोस्तों अभी जो ये आप दीवार पे देख रहे हो, ये दानदाताओं की यहाँ पे सूची बनाई गई है, और यहाँ पे व्रत स्तर पर बहुत सारे दानदाताओं द्वारा दान किया गया है, और सबने अपना दिल खोल के यहाँ पे दान किया है, और यहाँ दान कर कर वो अपने आप में खुशी महसूस करते हैं। और मंदिर का निर्माण है वो दिन प्रतिदिन बढ़ चढ़ कर हो रहा है। दोस्तों वैसे तो इस आसपास के इलाके के साथ हर जाति वर्ग के लोग यहाँ पे अपनी आस्था पूर्वक आते हैं, पर दैडू जाति के जो जाट हैं वो यहाँ पे सर्वाधिक आते हैं, वो दिल खोलकर दान पुण्य करते हैं, और वो कलम देव जी को अपना इष्ट देव मानते हैं, और हर वर्ष उनके दान की बदौलत यहाँ पे एक विशाल जागरण का आयोजन किया जाता है। ये सैड, ये साइड के दोनों होल, ये सब उन दानदाताओं की वजह से आज आप देख रहे हैं। हाँ, तो दोस्तों अभी हमारे साथ मंदिर में आए हुए श्रद्धालु है, तो इनसे बात करते हैं कि ये मंदिर से कब से जुड़े हुए हैं और किस आस्था से इस मंदिर में आते हैं। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम लीलाधर शर्मा है भाई जी। अच्छा, कहाँ से हो आप? मैं छाजू सर, ये उदा सर के पास में हमारा छाजू सर गाँव है, वहाँ से। तो इस मंदिर से कब से जुड़े हुए और किस आस्था के साथ यहाँ पे आते हो? हमारे परिवार वाले तो 2 साल से जुड़े हुए हैं जी, और मैं तो फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। अच्छा, भाई साहब का कहना है कि ये फर्स्ट टाइम आए, तो आप कुछ लेके आए थे, तो क्या लेके आए थे और उसके पीछे का आप क्या राज है? तो वो वाले हम लेके आए थे दही। अच्छा। यहाँ बाबा के दही चढ़ता है। हाँ। तो जब गाय या भैंस अपने घर में जो ब्याती है। हाँ। तो उसका 5 या 6 दिन बाद में उसका जो दही है वो बाबा को अर्पित किया जाता है। उससे क्या है कि हमारी आस्था है कि जो गाय भैंस पशु जो भी है अपना, वो एकदम सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहता है। तो भाई साहब का यही कहना है कि जो हम फर्स्ट टाइम जो दही जमाते हैं तो उसका घर में यूज नहीं करके पहली बार बाबा के यहाँ चढ़ाते हैं, तो उससे क्या है कि घर परिवार है वो भी कुशल मंगल रहता है, और अपना जो पशु है वो भी तंदुरुस्त रहता है, ये इनका कहना है। तो दोस्तों हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे चमत्कारिक मंदिर होते हैं, और हमारे चैनल की यही कोशिश है कि हम हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक इन मंदिरों की जानकारी है वो पहुंचाएं, और हम हर बार एक ऐतिहासिक वीडियो के साथ आते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे जो वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन है वो आपको वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों जल्द अगले वीडियो में।